Mrs. Raman, please. Pancham. Mrs. Raman, try to understand. Pancham. Mrs. Raman, please. कहाँ है पंचम? राशि तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ है पंचम? कहाँ? तुम्हें अपने बेड पर आराम करना चाहिए। नहीं, बताइए ना पंचम कहाँ है? कहाँ है पंचम? पंचम को अभी तक होश नहीं आया राशि, लेकिन तुम जाओ। होश नहीं आया? क्या कर रही हो राशि? राशि देखो आराम से। राशि इसे अब तक होश क्यों नहीं आया? आ जाएगा, तीन चार घंटे में पंचम को होश आ जाएगा राशि, लेकिन तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। नहीं मुझे नहीं आराम। आंटी को पंचम, पंचम आंखें खोल। पंचम ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा है? ये तो मेरी हर बात मानता है। मानता है ना पंचम? तो अपनी माँ की हर बात मानता है, तो आज भी बात मान। आंखें खोल बेटा, आंखें खोल पंचम, आंखें खोल पंचम, आंखें खोल पंचम, आंखें खोल, आंखें खोल पंचम। ये होश में नहीं आ रहा है। अब कहिए ना उससे, आज मेरी बात नहीं मान रहा है। अब कहिए ना उससे, आप समझाइए ना उससे। आंखें नहीं खोल रहा आज, मेरी बात नहीं मानता। मिस्टर अशोक, इसे होश आ गया? पंचम, 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 अब तुम्हें तसल्ली हो गई ना पंचम को होश आ गया? ही इज कंप्लीटली आउट ऑफ डेंजर। चलो अपने वार्ड में जाकर आराम करो। वार्ड में जाओ? क्या माँ भी हॉस्पिटलाइज्ड है? अरे कुछ नहीं हुआ पंचम, तुम्हें आईसीयू में देखकर खबर आ गई और बेहोश हो गई। माँ, ये आने वाले मेहमान के लिए बिल्कुल ठीक बात नहीं है, और वैसे भी आपको अब मेरा भी ख्याल रखना है, और वो तो आप तभी रख सकती हैं जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएं। इसलिए कह रहा हूँ आराम करिए। चलो राशि, उठो। अपने पंचम की बात तो मान सकती हो ना? चल चिराग बेटा। जी अंकल। आंटी को वार्ड तक छोड़ कर। जी चल राशि। बेटा अवस्थी साहब को फोन करके बता दो कि पंचम को होश आ गया, और उनसे कह देना कि पंचम अब बिल्कुल ठीक है। ओके अंकल, चलो दादा।